मुझे थोड़ा सा रिव्यू देना था, अगर मैं रिव्यू नहीं दिया तो वो गलत होगा। दीपिका पादुकोण भी अगर एक बार वो गोरी हो गई है तो वो भी मेंटेन ही कर रही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज पेशी राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। वेल, आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ छोटे मोटे से रिव्यूज जो मेरे प्रोडक्ट के हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी एंड डेफिनेटली डिस्काउंट्स जो है चल रहे हैं तो उसके बारे में बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए है। एंड आप लोग हमेशा पूछते रहते हो डिस्काउंट कब आएंगे, डिस्काउंट कब आएंगे, तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। बट मेरे जितने भी रिव्यूज होते हैं मेरे प्रोडक्ट के, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट कमाल का है। लोग अपने मन से वीडियो बनाते हैं एंड वो इतना प्रेज करते हैं। आई एम सो ग्लैड एंड आप सब लोगों के ऊपर इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बट मैं थोड़ी बहुत स्नीक पीक और थोड़ा सा ट्विक्स भी बताऊंगी एग्जैक्टली एक आधे लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली इस वीडियो के अंदर, तो आप पूरा देखिएगा। अगर आपको राइटिंग में रिव्यूज़ चाहिए तो वो सारे जो रिव्यूज़ हैं मेरी कम्युनिटी टैब में होते हैं, हर एक रिव्यूज़ को आप पढ़ सकते हो। एंड जिन्होंने वो रिव्यूज़ चेक दिए हुए होते हैं वो लोग भी वहाँ पर मैसेज करते हैं, तो सम टाइम मैं देख लेती हूँ तो मैं उनके कमेंट को पिन कर देती हूँ, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वेल, चलिए हम जो है अब रिव्यूज़ सुनने से स्टार्ट करते हैं। मुझे थोड़ा सा रिव्यू देना था, अगर मैं रिव्यू नहीं दिया तो वो गलत होगा। जो मेन सोप, नाइट क्रीम और डे क्रीम जो मैंने मंगवाए थे वो मतलब कि एकदम मैजिक की तरह काम किए वो। अब मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मतलब कि हॉली समर वैकेशन के बाद मैं फिर से स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो समर वैकेशन के पहले मेरे कलीग ने जो स्किन टोन देखा था मेरा एकदम, मतलब कि समर वैकेशन के बाद एकदम से वो लोग चौंक गए कि ऐसे क्या क्या तुमने, तुम्हारा इतने मुलायम, इतने स्मूथ स्किन हो गए, क्या लगाए तुमने। तो बहुत अच्छा लगा, अब मुझे आईने में खुद को देखने को मतलब कि बहुत मन करता कि मैं सब समय मतलब कि ऑलवेज आईने में देखती रहूँ अपने आप को ऑल टाइम। बहुत अच्छी तरह काम किया, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू स्किन जी, थैंक यू सो मच। सी दिस अमेजिंग रिव्यू, जब ऐसे रिव्यूज़ मेरे पास आते हैं ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट इतने पसंद आ रहे हैं। एंड नॉट एग्जैक्टली दिस, आई हैव और रिव्यूज़ है मेरे पास, वेट। हाँ दी, आपकी स्किन जीनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्रीम है, मैंने तो सारे प्रोडक्ट परचेज करना ही ख़त्म कर दिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप फुल बॉडी वाइटनिंग वाला लोशन लॉन्च करिए प्लीज़ स्किन जीनी का, मुझे बहुत नीड है। आप प्लीज़ कोई लोशन लॉन्च करिए। सारे प्रोडक्ट में डे क्रीम, नाइट क्रीम और सनस्क्रीन सब कुछ मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बस आप एक लोशन लॉन्च कर दीजिए जो फुल बॉडी के लिए हो। सो दीज आर द अमेजिंग रिव्यूज़। एंड मेरे पास जब भी थोड़े बहुत टाइम लगता है मेरा तो मैं इनको इकट्ठा करती रहती हूँ एंड आप लोग साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको पता है कि स्किन जीनी नाइट क्रीम जो है वो धमाल मचाती है, आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, स्किन टोन अगर आपको जो है हल्का करना है, अगर आपको दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, पिम्पल्स है, पिम्पल के निशान है, इवन अगर स्मॉल गड्ढे हैं तो वहाँ तक की भी, जो आप इसको रेगुलर अगर यूज़ करते हो लंबे समय तक, तो ये डेफिनेटली आपकी स्किन को जो है दी बेस्ट आपको आपकी स्किन को बना देगा। और मोस्टली जो है ये आपके उस आपको ये थिक लेयर लगानी होती है ताकि आपको रिजल्ट जल्दी मिले। इसी के साथ साथ हमारा सोप भी आता है जो फुल बॉडी के लिए होता है, आपके टैनिंग को रिमूव करता है, गर्मी में आपको टैन नहीं होने देता है अगर आप उसे बाथ लेते हो तो, एंड आप उसको फेस वॉश की तरह यूज़ करते हो। अगर आपको फुल बॉडी नहीं करना तो आप उसे एज अ फेस वॉश कीजिए। तो मैं प्रोडक्ट वन बाय वन आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज आवर स्किन जीनी नाइट क्रीम, दिस इज मिरेकुलस क्रीम एंड ये दी बेस्ट काम करती है, दी बेस्ट, आई मीन टच वुड। मैं बताती हूँ कि जिन्होंने भी इसको यूज़ किया है उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। ऑब्वियसली हर एक क्रीम्स का जो है 99% रिजल्ट होता है, 1% कहीं ना कहीं कुछ एक लोग ऐसे रह जाते हैं जिन पर चीज़ें काम नहीं करती हैं या फिर उन पर दूसरी चीज़ें काम करेंगी। स्किन केयर थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है बट 99% ये चीज़ काम करती है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड मेरा काफ़ी होल सोल इसमें लगा हुआ है, बट द थिंग इज़ अभी गर्मी बहुत है तो इसका जो वाइटनिंग ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है, तो प्लीज़ आप इसको मिक्स करके ठंडे प्लेस पर रखिए या फिर आप इसको फ्रिज भी रख सकते हैं। मेरे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हीट है, 48 degrees है। ऑल्सो जब हम वेयर हाउस में चीज़ों को रखते हैं तो ऑब्वियसली और हीट और वन के ऊपर वन पाइलअप होते रहते हैं कर्टन्स के अंदर, तो और ज़्यादा जो है सेपरेशन होती है वाइटनिंग ऑयल की, वो बहुत ही मिरेकुलस चीज़ है। वो अगर सेपरेट हो गया तो वो जमा हुआ ही होगा, आप उसको मिक्स कर लीजिए किसी भी चीज से एंड रेफ्रिजरेट कीजिए, ठीक है, ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम के ऊपर Amazon पर भी और Flipkart पर भी
डिस्काउंट है एंड ऑल्सो डिस्काउंट मेरे वेबसाइट के ऊपर भी है एंड आप व्हाट्सएप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आपको ये जो है 869 रुपीज़ की मिल जाएगी डेफिनेटली, बट हर जगह जहाँ पर COD चार्जेस वगैरह हैं तो आप अमेजोन से भी इसको परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे एक छोटा सा इशू है कि फ्लिपकार्ट पे जो सिंगल बॉक्स है वो खत्म हो गए हैं, तो आप इसको डे क्रीम के पेयर के साथ जो है इसको परचेज कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे उन दोनों चीज़ों को साथ में परचेज करोगे, या फिर इसको सोप के साथ में परचेज कर लीजिए। कॉम्बोज परचेज कीजिए अमेजोन के ऊपर भी फ्लिपकार्ट के ऊपर भी, ताकि आपको जो है अमाउंट कम देना पड़े डेफिनेटली एंड 30 RS का कैशबैक और कैशबैक के जो ऑफर्स है वो स्टार्ट रहते हैं, तो बॉक्स के अंदर आपको एक वाउचर मिलेगा, उस वाउचर से आप कैशबैक भी अवेल कर सकते हो कॉम्बोज के ऊपर, तो डेफिनेटली ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सोप की, तो ये दिस इज अ स्किन जिनी मैन सोप एंड ऑल्सो आई हैव स्किन जिनी वुमन सोप। स्किन जिनी वुमन सोप उन लोगों के लिए है, इसको फुल बॉडी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन एक्सेसिव सेंसिटिव है देन यूज वुमन सोप, ठीक है। प्लीज जल्दबाजी के चक्कर में मैन सोप मत लीजिएगा, प्राइस दोनों का सेम है, ऐसा नहीं है कि प्राइस में डिफरेंस है, तो आप जल्दबाजी, कई बार ना हमको भी इंपेशेंट होती है कि हम जल्दबाजी कर लेते हैं तो हम मैन सोप लगाएंगे, सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज ट्राई वुमन सोप फर्स्ट। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आप सब कुछ आपकी स्किन टॉलरेट कर लेती है, देन मैन सोप मिरेकुलसली काम करता है। सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक यही दो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले तो क्रीम हो जाती है, फिर ये सोप हो जाता है। मैन सोप मोस्टली मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, क्या बताऊं मैं, लोगों को प्रिय ही इतना है ये और मुझे भी बहुत प्रिय है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स ऑलमोस्ट 5 years, यू नो मेरे चैनल को 5 years हो गए, और 5 years जब से मेरे को कोजीसेंस सोप मिला था मैंने सोप छोड़ा ही नहीं है। आई ऑलवेज अप्लाई सोप, सोप के अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। कोई शावर जेल शायद आपने मेरे चैनल के ऊपर रिव्यूज़ भी नहीं देखे होंगे, एक आधा देखा होगा, अगर देखा होगा तो वो भी मैंने इन्फ्लुएंस होकर खरीद लिया होगा जस्ट फॉर द रिव्यू पर्पज़, बट मैंने कोई भी शावर जेल कभी मैंने यूज़ नहीं करे हैं। आई रियली वॉन्ट कि ऐसी चीज़ जो टैनिंग ना होने दे, टैनिंग यू नो समटाइम अच्छी लगती है बट समटाइम बहुत खराब लगती है, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब आपका जो अगर ऊपर नीचे की टैनिंग होगी तो आप कैसे उसको करोगे, मतलब आप डबल शेडेड लग रहे हो, तो मैं हमेशा सोप यूज करती हूँ, खास करके वेकेशन में तो आपको रखना ही चाहिए, समर सीजन मॉनसून सीजन तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है सनस्क्रीन इज अ मस्ट थिंग, तो सनस्क्रीन जो है 399 के अंदर अभी टोटली डिस्काउंट प्राइस पे चल रही है ये, और ये वेबसाइट पर भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ही है, तो वहाँ से भी ले सकते हो, हर जगह डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर है ये। सनस्क्रीन इज अ मस्ट इफ यू वॉन्ट टू स्किप डे क्रीम, टोटली स्किप इट, यू नो अगर आपको नहीं, आप कोई और मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हो, कोई और सेरामाइड जो भी मॉइस्चराइजर आपको पसंद है, बट इसके अंदर ऑलरेडी नाइसिनामाइड है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायन है, तो इसके अंदर आपको सारे जो है सिट्रस बेरीज के एक्स्ट्रैक्ट हम लोगों ने इसके अंदर डाले हैं। वेट मैं बता देती हूँ आपको, क्यूकुम्बर एक्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर, कोजिक एसिड है इसके अंदर, लिकोरिस एक्स्ट्रैक्ट है इसके अंदर, हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो आपको अलग से कोई सेरामाइड वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास है एंड यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाई दिस, प्लीज सनस्क्रीन आप जरूर ले लो, ये जरूरी चीज है। सनस्क्रीन अगर आपको, आप अपनी स्किन को व्हाइट कर रहे हो, ब्राइट कर रहे हो, दाग धब्बे कम कर रहे हो, पिगमेंटेशन हटा रहे हो, और आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे डे टाइम में, तो आप जीरो कर देते हो। मेरे पास बार बार लोगों के मैसेजेस आते हैं, हमारी स्किन तो गोरी हो रही है लेकिन धीरे धीरे डल हो रही है, डल होगी पर मैं सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करते आप सनस्क्रीन अप्लाई? अब आप एक बात बताओ, मेरी स्किन मैं साफ कर रही हूँ, उसके ऊपर वापस से धूल मिट्टी डाल रही हूँ, तो वो साफ थोड़ी ना रहेगी। आप अपने कमरे को साफ कर दो एक बारी, फिर आके एक बोरी आप उसके अंदर कचरा डाल दीजिए, वो कोई साफ थोड़ी नहीं रहेगा। आप प्रोटेक्शन तो कर ही नहीं रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब एक चीज और, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये क्रीम को हम लाइफ टाइम, हमारी स्किन ऐसी रहेगी? मेरी स्किन में लाइफ टाइम ऐसी नहीं रहने वाली है, मैं खुद बूढ़ी होंगी, आप भी बूढ़े होंगे, सब बूढ़े होंगे। बूढ़े अगर हम धीरे धीरे हो रहे हैं तो स्किन केयर को ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप कोई चीज छोड़ क्यों रहे हो, आप मुझे ये बताओ। मेरे को अगर कोई ऐसी चीज मिल गई है जो मेरे ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है एंड अब वो मुझे रिजल्ट दे रही है हमेशा के लिए, मैं उस चीज को उसके साथ हो जाऊंगी और मैं एक्स्ट्रा केयर करना स्टार्ट कर दूंगी अपनी स्किन को। हम इमोर्टल थोड़ी ना है कि कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होंगे, ये कोई अप्लायंसेस थोड़ी ना है, उसकी भी वारंटी आती, गारंटी नहीं आती है। परमानेंट हो जाएगा क्या? परमानेंट भगवान ही करके भेजता है, यहाँ पर तो आप मेंटेन ही करो। दीपिका पादुकोण भी अगर एक बार वो गोरी हो गई है तो वो भी मेंटेन ही कर रही है, काजोल भी मेंटेन करे, ऐश्वर्या राय भी मेंटेन ही करे, सब मेंटेन ही कर रहे हैं। ऑब्वियसली सबका
बजट अलग अलग हो सकता है, आप सिर्फ क्रीम से मेंटेन कीजिए, आप ग्लूटाथायोन मत खाइए रेगुलरली, 5 मंथ्स खा के छोड़ दीजिए, क्रीम से मेंटेन कीजिए, सोप से मेंटेन कीजिए, मतलब ये तो बहुत ही मिनिमल चीजें हैं, लोग तो लाखों लाखों रुपए लगा के मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस तो देखो आपको करना ही पड़ेगा, मैं अगर अपनी स्किन की केयर करना आप छोड़ दूं ना तो अब मैं बैक टू पवेलियन हो जाऊंगी, ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ अलग से कुछ हो जाएगा, सबके साथ यही होता है, ठीक है। तो आप इनको कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी स्किन को हमेशा अच्छी बना के रखिए ना, ये क्या है 2 महीने के लिए अच्छी बनानी है फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे, ऐसा क्यों करना है आपको, अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल गई है तो यूज दिस प्रोडक्ट। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम लोग तो सबसे अफोर्डेबल रेट पर दे रहे हैं ये चीजें, आप मार्केट में घुसो पहले, 3-3 हज़ार रुपए की चीजें बिक रही हैं, ठीक है, और रिजल्ट क्या है, 10 शेड कोई क्रीम लाइट नहीं करती। एक बंदी आई मेरे पास बोलती है 10 शेड लाइट हो जाएगा, मैंने मना कर दिया, मैं क्यों झूठ बोल के क्रीम को बेचूंगी, नहीं मुझे नहीं बेचना झूठ बोल के, मैं मोस्टली लोगों को सही बात बताती हूँ, आते हैं मेरे पास गाइडेंस के लिए, मैं नहीं बोलती 10 शेड लाइट होगा, जी नहीं होगा 10 शेड लाइट, मैंने किसी को नहीं बोला है कि आप 7 दिन में सफेद हो जाओगे, नेवर एवर आई सेड दैट, आई सेड 4-5 मंथ्स एटलीस्ट यूज दिस, चीजों को यूज टू होने में भी टाइम लगता है स्किन के ऊपर, जिनको 10 दिन में रिजल्ट मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 50% लोगों को 10 दिन में रिजल्ट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी थर्ड पार्टी को भी 10 दिन में रिजल्ट मिलेंगे, उसको शायद 1 महीने में रिजल्ट मिले, 5 दिन से यूज कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, 5 दिन से यूज कर रहे हैं, 5 दिन से, 5 दिन क्या 5 दिन होते हैं, स्किन खराब होने में बहुत जल्दी समय लगता है, ठीक होने में बरसों लग जाते हैं, तो ठीक कीजिए आराम से इसको, कंसिस्टेंसी में यूज कीजिए, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत राय मशवरे चाहिए, COD चाहिए तो Amazon Flipkart से बाय कीजिए, प्लीज बाय कॉम्बो, आप पैसे बचाओगे एंड कैशबैक भी आपको मिलेगा, आपका बॉक्स आएगा उसके अंदर वाउचर्स होंगे आपके, तो आप कैशबैक कर सकते हो, अगर आप प्रीपेड कर सकते हो एंड ऑल्सो डिस्काउंट अवेल करना चाहते हो तो वेबसाइट एंड आप जो है हमारी व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हो, लिमिटेड टाइम है इस, जब ये वीडियो जा रही है बस उसी दिन के लिए डिस्काउंट ऑफर है, तो फटाफट से ले लीजिएगा एंड रिव्यूज हमेशा चेक कीजिए, हेयर एंड देयर अगर एक आधा कोई नेगेटिव रिव्यू डाल भी देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात ध्यान में रखिए, मेरी एक दुश्मन है, ठीक है, वो पेड करवाती है, मैं किसी के रिव्यूज नहीं छेड़ती हूँ, जिनको जैसे भी रिव्यूज है, मैं बुरे कहें अच्छे कहें, मैं सबके जाके कमेंट करके आती हूँ, थैंक यू सो मच बोलती हूँ, ऑब्वियसली अगर वो प्रेज कर रहे हैं, अगर उनको पसंद भी नहीं आ रही है तो डेफिनेटली सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मोस्टली मेरे 99% जो रिव्यूज है वो पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव ही हम ध्यान में रखेंगे तो ही बेटर होगा, इन सब पे मेरा ग्रेटिट्यूड है, मैं बहुत कृतज्ञता के साथ आप लोगों को ये चीजें दे रही हूँ, तो आप भी उतनी पॉजिटिविटी के साथ इस चीज को लीजिए और आप देखेंगे कि ये चीज कितने अच्छा काम करेगी आपके ऊपर, एंड रिव्यू उसकी जरूर सहारा ना करें, और जिन लोगों को भी यूज किया है और वो हिचक रहे हैं रिव्यूज देते टाइम, थोड़ा घबरा रहे, डर रहे हैं, प्लीज शेयर योर रिव्यूज ताकि मैं भी बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड स्क्रीन पर आपको नंबर भी मिल रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर है, जल्दी से अवेल कर लीजिए, एंड जो गिव अवे थे उन सबके प्रोडक्ट आई गेस पहुंच गए होंगे, और पहुंच गए हैं तो वो लोग भी यूज कीजिए एंड मुझे बताइए कि कैसे आपके प्रोडक्ट लगे। इसी के साथ मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय।